जय श्री राम। दोस्तों, मित्रों, अच्छा समय आने से पहले भगवान हमें देते हैं कुछ शुभ संकेत। वो शुभ संकेत कौन से हैं, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। मित्रों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि सुख दुख लाभ हानि सफलता असफलता एवं जीवन मरण, यह चक्र तो चलता ही रहता है। कभी हमारे जीवन में खुशियों का दिन होता है तो कभी दुखों के बादल होते हैं। हर एक मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं, परंतु दोस्तों, यह सब कुछ समय के अनुसार ही घटित होता है। इस संसार में समय से ज़्यादा बलवान कुछ भी नहीं है। इस समय ने राजा को रंक बनाया है और रंक को भी राजा बना दिया है। समय के सामने सभी नतमस्तक हैं। समय वह शक्तिशाली शस्त्र है जिसका भाव बहुत ही गहरा होता है। लेकिन दोस्तों, हमारा आने वाला समय कैसा होगा, उसे हम कुछ संकेतों के माध्यम से जान सकते हैं। मित्रों, एक बार देवर्षि नारद वैकुंठ लोक पहुँचे और कुछ संकेतों के बारे में उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु से पूछा। भगवान विष्णु ने देवर्षि नारद से कहा कि मैं मनुष्यों को स्वयं ही कुछ ऐसे संकेत देता हूँ जिससे मनुष्य स्वयं ही अपने आने वाले समय के बारे में जान सकता है। वह संकेत प्रकृति के द्वारा, पशु पक्षियों के द्वारा या फिर मेरे भक्तों के द्वारा मिल सकता है, परंतु सभी मनुष्यों को मात्र इन संकेतों को समझने की आवश्यकता होती है। तो मित्रों, चलिए उन संकेतों को हम आपको बताते हैं जिन संकेतों को भगवान नारायण ने देवर्षि नारद को बताया था। पहला संकेत है दोस्तों, अगर प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में आपकी नींद खुल जाती है, अर्थात अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठ जाते हैं और आपका उठते ही भगवान का स्मरण होता है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई शक्ति किसी दिशा की ओर खींच रही है, तो आपको समझना चाहिए कि आपकी सफलता के दरवाजे आपके लिए खुलने वाले हैं। आपको आपके जीवन के लिए योग्य मार्ग मिलने वाला है जिस मार्ग में स्वयं भगवान आपकी सहायता करेंगे। दूसरा संकेत है, आपने अगर यह अनुभव किया हो कि कई बार आपका मन बिना किसी कारण के ही प्रसन्न रहता है, आपको क्रोध नहीं आता, तो यह संकेत आपके लिए यह दर्शाता है कि आपके जीवन में खुशियों का आगमन होने वाला है। ऐसे समय में हम जिस किसी चीज़ के बारे में सोच नहीं सकते, वह भी हमें प्राप्त हो जाती है। निर्मल एवं स्वच्छ मन में भगवान का वास होता है, इसलिए वह हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। इसलिए सदैव हर व्यक्ति को अपना मन स्वच्छ रखना चाहिए। मन में कोई भी द्वेष न हो, ऐसा व्यक्ति का मन होना चाहिए। दोस्तों, तीसरा संकेत है, अगर आपके द्वार पर गौ माता बार बार आती हैं एवं बिल्ली आपके घर में अपने बच्चों को जन्म देती हैं एवं बंदर आपके घर में आकर खाने की वस्तुएं उठा ले जाता है, या फिर कोई पक्षी आपके आंगन में घोंसला बनाकर रहने लगता है, इस तरह के शुभ संकेत यह दर्शाते हैं कि आने वाला समय आपके लिए बहुत ही लाभप्रद एवं अच्छा होने वाला है, जिससे आप अपने जीवन में श्रेष्ठ पद को प्राप्त कर सकेंगे। मित्रों, हम सभी मानते हैं कि छोटे बच्चों में भगवान बसते हैं, इसलिए अगर कोई छोटी कन्या या कोई भी शिशु आपको देखकर मुस्कुराए या फिर आपके घर के आंगन में प्रसन्नतापूर्वक खेले, तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत है। यह संकेत यह दर्शाते हैं कि आपके जीवन में कुछ नई खुशियां जल्द ही आने वाली हैं एवं आपके बिगड़े हुए कार्य बनने वाले हैं, या फिर आपके जीवन में कुछ ऐसे रिश्ते जुड़ने वाले हैं जो बहुत ही शुभ होंगे। ऐसे संकेत भगवान की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। मित्रों, पांचवा संकेत है, जब व्यर्थ के खर्चे एवं संकट दुख एवं कष्ट सहसा ही समाप्त हो जाएं एवं धन के नए स्रोत मिलने लगे, तो ऐसे संकेतों में आप समझ जाइए कि आपका बुरा समय अब खत्म हो रहा है एवं आने वाले समय में आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होने वाला है। दोस्तों, छठवां संकेत है, पूजा की थाली में फूल माला अथवा चंदन का गिरना, या फिर आपको ऐसा अनुभव होना कि भगवान की प्रतिमा आपको देखकर मुस्कुरा रही है एवं घर में अचानक ही किसी अतिथि का आगमन होना एवं महिलाओं का बायां और पुरुषों का दायां अंग फड़कना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस तरह के सभी संकेत आपके आने वाले शुभ समाचार के बारे में बताते हैं। दोस्तों, सातवां संकेत है, जब सुबह के समय आप किसी कार्य हेतु अपने घर से निकल रहे हों तो घर से निकलते ही आपको गौ माता के दर्शन हो जाएं, तो आप समझ लीजिए कि जिस कार्य से आप जा रहे हैं
वह कार्य आपका निश्चित ही सफल होगा। मित्रों, आशा करते हैं कि इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो कृपया वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एवं वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट में एक बार प्रेम से लिख दीजिए, जय श्री हरि विष्णु, जय श्री नारायण।